दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमैनिक ग्रुप आपसे मुखातिब होता हूँ 27 अप्रैल 2022। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दलहन पर, यानी चना, मूंग, उड़द, तुअर पर क्या बात पूरे देश में चल रही है, क्या समाचार है, उसे आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 27 अप्रैल 2022। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दलहन बाजार के अंदर चना। चना महत्वपूर्ण कमोडिटी है दलहन बाजार के अंदर और ये दालों का राजा भी कहलाता है। खबर मिल रही है कि दालों में कमजोर मांग होने से दिल्ली में चने के दाम कमजोर बताए जा रहे हैं। नई दिल्ली दाल मिलों की हाजिर मांग के कमजोर होने के कारण बुधवार को दिल्ली में चने के भाव 25 रुपए नरम बताए गए हैं। लॉरेंस रोड के ऊपर यदि हम दिल्ली के कमोडिटी बाजार पर चले तो राजस्थान के चने के भाव 5,050 रुपए प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश लाइन के चने की कीमत 5,000 रुपए प्रति क्विंटल लॉरेंस रोड दिल्ली में बताया जा रहा है। चना दाल बेसन की ग्राहकी सामान्य की तुलना में कमजोर बताई जा रही है और चने की जो अराइवल है वो 15 गाड़ियों की है, जबकि पिछले कारोबारी दिवस के अंदर का अराइवल 12 गाड़ियों की थी। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो नाफेड के नाम से है कि इसने समर्थन योजना के तहत 27 अप्रैल 2022 तक MSP पर 8,27,087 टन चने की खरीद की सूचना मिली है। अभी तक हुई कुल खरीद में महाराष्ट्र से 3,44,558 टन, कर्नाटक से 65,722 टन और गुजरात से 3,76,606 टन एवं आंध्र प्रदेश से 39,406 टन। उत्तर प्रदेश से खबर निकल के आ रही है कि नाफेड ने जो बाइंग की है चने की और उत्तर प्रदेश से 790 टन और तमिलनाडु से मात्र 5 टन की हिस्सेदारी है। देशी चना की आवक पिछले सालों के मुताबिक के बनस्पत कम होने के बाद भी इसके अंदर कोई बड़ी तेजी नजर नहीं है, तेजी अभी दर्ज नहीं हुई है। सभी उत्पादक मंडियों में देसी चने की आवक कम होने की समाचार मिल रहे हैं, इसके बावजूद देसी चने में तेजी नहीं बन पा रही है। यहाँ व्यापार 5,000 से 5,040 रुपए प्रति क्विंटल के बीच में बताया जा रहा है, खड़ी गाड़ी के ऊपर हो रहा है और गौरतलब है कि दाल और बेसन की मांग अनुकूल नहीं बताई जा रही है। ऐसा आभास हो रहा है कि चौथी लहर कोविड की जो कुछ केसेस सुनने में आ रहे हैं उससे कारोबारियों में दहशत से दाल को घटाकर बेच रहे हैं, लेकिन सरकारी रुख एवं शादियों की अधिकता को देखते हुए आगे बाजार में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। दोस्तों फसल की जो चौतरफा खबर आ रही है उसके अंदर कोई बहुत अच्छी फसलें नहीं है, इसमें भी कोई दोराय नहीं है, इसलिए ग्राहकी निकलने पर बाजार के अंदर क्या संभावना बनेगी। दोस्तों इस चने के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट हमारी उपलब्ध है छोटे कारोबारियों के लिए एवं छोटे किसानों के लिए कि चने के अंदर क्या संभावना बनेगी, उसके लिए आप हमें हमारा नंबर स्क्रीन पर है मोबाइल नंबर, उसके ऊपर नंबर को सेव कीजिए, चना लिख के हमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको डिटेल भेज देंगे। गौरतलब है इसके लिए मामूली शुल्क भी है जो आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों याद होगा चने के अंदर आने वाले दो से तीन महीने बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, क्या वो तेजी के रहेंगे या मंदी के, ये एक यक्ष प्रश्न है। दोस्तों चने की बिजाई के बाद के लिए मौसम सीजन शुरू होने से पहले अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, अराइवल की पर बात हुई थी, लेकिन हर पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों आज 27 अप्रैल 2022 दिल्ली के बाजारों के अंदर क्या भाव रहे। दिल्ली के अंदर चना जो है मध्य प्रदेश लाइन का 5,025 रुपये और राजस्थान लाइन का 5,075 के भाव बताए जा रहे हैं और लॉरेंस रोड के ऊपर 15 गाड़ियों की अराइवल्स हैं। मसूर को देखें तो मध्य प्रदेश लाइन में MP लाइन का जो है 2/50 kg 69,000 से 6,925 के भाव हैं, 2,500 रुपये तेजी की है। मूंग दाल राजस्थान से खबर निकल के आ रही है 4,500 से 6,500 के क्वालिटी अनुसार और सोलापुर के फसल की जो है वो क्रॉप प्राइसेज अराइवल है, तुअर 5,500 से 6,125 के बीच है और चना नया 4,500 से 4,800 के भाव हैं,
और अराइवल यहाँ पे 10 से 12 गाड़ियों की है। इंदौर के अंदर से खबर निकल के आ रही है कि काबुली चना 8,500 से 9,100 के बीच है और काटा 4,500 से 4,700 रुपए के बीच है। और इसके अतिरिक्त चना के राजकोट से खबर निकल के आ रही है कि चना 4,500 से 4,800 रुपए और कुछ 5,000 के भाव भी बताए जा रहे हैं। तुअर 5,000 से 6,200 क्वालिटी अनुसार, उड़द 5,000 से 7,300 और मूंग 5,000 से 7,100 के भाव बताए जा रहे हैं। राजकोट मोठ 6,000 से 6,100 के 8,100 के भाव हैं। तो दोस्तों अब खबर निकल अब चर्चा कर रहे हैं तुअर के ऊपर क्या संभावना है। खबर मिल रही है कि वर्मा में पिछले दिनों 20 से 30 डॉलर प्रति टन को वहाँ बढ़ाकर निर्यातक तुअर के दाम बताने लगे हैं, जबकि रियलिटी से भी खबर या रियलिटी को जांच करने पे ये पता लग रहा है इस बार आई फसल में यील्ड कम बैठ रहा है, उतारा कम बैठ रहा है। पुराना माल अभी रंगून की मंडियों में है लेकिन वहाँ के निर्यातक इसके भाव बढ़ाकर बोल रहे हैं। इधर चेन्नई में भी ज़्यादा माल नहीं है, केवल यहाँ दालों की बिक्री अनुकूल नहीं होने से ये भाव दिखाई दे रहे हैं। अतः 6,650 रुपए प्रति क्विंटल की तुअर के आगे कोई बहुत बड़ी जोखिम संभावना नजर नहीं आ रही है। घरेलू फसलों को थोड़ी सी परेशानी है, लोकल मंडियों में माल लगातार समाप्ति की ओर है। नीमच लाइन का माल कटनी की दाल 80% की खरीदी लगभग हो चुकी है, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। तो दोस्तों दालों के ऊपर तिलहन के ऊपर क्या आने वाले 2 से 3 महीने निश्चित रूप से एक निर्णायक साबित हो सकते हैं कि क्या ये तेजी के रहेंगे या मंदी की। विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे दलहन हो चाहे तिलहन, सोयाबीन सरसों हो या फिर कपास खली या कपास। इसके अतिरिक्त कैस्टर सीड के ऊपर भी हमारी विशेष रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। मसालों के अंदर धनिया जीरा और लाल मिर्च साथ ही हल्दी, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट हमारी उपलब्ध है। दोस्तों याद रखिएगा अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज पर सबसे पहले विश्लेषण देने वाला है, अग्रिम अनुमान प्रस्तुत करता है और किसानों और बड़े व्यापारियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। बड़े मिल्स, बड़े व्यापारी, होलसेल स्टॉकिस्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं विशेष रिपोर्ट के लिए, नंबर स्क्रीन पे है। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।